उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों के एनकाउंटर कर रही है। हालांकि कई बार पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस ने एक युवक विवेक तिवारी, जो एप्पल के एरिया मैनेजर थे, को संदिग्ध समझकर गोली मार दी। बाद में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक देर रात संदिग्ध लगने पर कार सवार युवक को सिपाही प्रशांत चौधरी ने रोकने का प्रयास किया। विवेक ने रुकने के बजाय कार कथित तौर पर पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी, जिसके बाद सिपाही ने गोली चला दी। घायल विवेक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी जान चली गई। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। आपको बता दें, सुल्तानपुर के रहने वाले विवेक तिवारी एप्पल कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत है। घर में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं। इस बीच विवेक तिवारी की सहयोगी सना को पुलिस ने मीडिया से दूरी बनाए रखने के लिए नजरबंद कर दिया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। सना सिपाही द्वारा युवक को गोली मारने में आई विटनेस बताई जा रही है। उन्हें गोमती नगर के विनयखंड 3 स्थित उनके घर में पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। सना विवेक के साथ कार में मौजूद थी। नेक्स्ट नाइट टेक की रिपोर्ट।